तो दोस्तों अगर फोन पे आप चलाना चाहते हैं बिना एटीएम कार्ड के, तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखते हैं शुरू से अंत तक। तो बिना एटीएम के भी दोस्तों आप फोन पे कैसे चला पाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो पे आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, जिससे आने वाली और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बारी बारी से मिलती रहे और हमेशा आप कुछ नया सीखते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं। एटीएम के बिना जो फोन पे आपको चलाना है, सबसे पहले तो आपको अपना फोन पे ओपन कीजिए। अपना फोन पे हमारे यहाँ पर है तो अपना फोन पे ओपन करेंगे दोस्तों। इस तरह से आपका डैशबोर्ड आएगा, आपको अपना लॉक दे देना है। जो भी आप यहाँ पे आपका फोटो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो बैंक वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना। देख लिए बैंक वाला एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी बैंक आपने ऐड किया वो यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे जैसे दोस्तों आएंगे, इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा और आपको यहाँ पे रीसेट वाला एक ऑप्शन आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों रीसेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करते हैं तो यहीं पे दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड से भी आप बिना एटीएम कार्ड के भी आप आधार कार्ड के मदद से दोस्तों फोन पे यूज कर सकते हैं। नीचे में है डेबिट कार्ड है, ऊपर में दोस्तों आधार नंबर है, तो आधार नंबर से करके आपको क्लिक कर देना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना, आपके मोबाइल में भी वही नंबर ज्वाइंट होना चाहिए, आपके अकाउंट में भी और आपके आधार कार्ड में भी सेम नंबर होना चाहिए ज्वाइंट, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हैं। तो अपना जो आधार कार्ड का आपको 6 अंक शुरुआत का जो 6 अंक होता है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो चलिए हमारा 6 अंक जो भी है हम टाइप कर लेंगे इसमें। और जैसे दोस्तों आप अपना 6 अंक यहाँ पर टाइप कर देते हैं तो ये जो प्रोसीड वाला एक ऑप्शन आपको दिखाया था, इस पर आपको क्लिक कर, तो जैसे दोस्तों आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा वेट कर ले, तो आधार वाला जो यहाँ पर देख लीजिए, पहले आधार कार्ड वाला यहाँ पे आएगा। देख लीजिए एंटर 6 डिजिट आधार ओटीपी, तो सबसे पहले आपको आधार ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। तो हम स्क्रॉल नीचे करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे आपको अपना आधार ओटीपी पहले फिल कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इस पे टाइप कर देते हैं तो आपको यहाँ टिक वाला एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हैं तो अब आपके बैंक से ओटीपी आएगा, तो चलिए हम बैंक का ओटीपी इंतजार कर लेते हैं जो हमारे बैंक से आएगा। जैसे दोस्तों आप ओटीपी फिल कर लेते हैं, टिक वाला नीचे में ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। हम जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट योर 4 डिजिट UPI पिन। तो जो भी पिन आपको रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चलिए हम जो भी हमारा पिन रखना चाहते हैं हम रख लेते हैं। और जैसे दोस्तों आप पिन टाइप कर देते हैं तो टिक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम टिक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे और जो पिन आपने रखा दोबारा उस पिन को फिर से रख लेना है। तो चलिए हम फिर से रख लेंगे इस पर। पिन रखने में दोस्तों फिर से आपको टिक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों टिक वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा और वेट कर लेना है। आप यहाँ देख लीजिए सक्सेसफुली आपके सामने ही मेरा पिन हो गया है सेट। उस पिन को आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए। तो इससे दोस्तों अपना आधार कार्ड से दोस्तों आप UPI पिन सेट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी दोस्तों हो तो कमेंट में बताइए। करता हूं इस वीडियो की मदद से आपको फोन पे बिना एटीएम कार्ड के कैसे चलाना आपको पता लग गया होगा। पता लग गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, जिससे आने वाली और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बारी बारी से मिलती रहे और हमेशा आप कुछ नया सीखते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।